अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से अब सब ठीक है। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 9 बज रहे हैं। मैंने आयरा को स्कूल भेज दिया और मशीन वगैरह लगा रही है, अभी लाइट नहीं आ रही है, बट पानी वानी भर के रख दिया है। खैर वो एक ज़रूरी बात नहीं है, ज़रूरी बात आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे। ज़रूरी बात यह है कि कल हमारे घर में बहुत बड़ी, कल और परसों 2 दिन बहुत बड़ी मिस हैपनेस हुई है। मेरी आँख में पानी क्यों आ रहा है? बहुत बड़ी मिस हैपनेस हुई है हमारे घर में, लेकिन अल्लाह ने बहुत बहुत बचाया है। सबसे पहले बात करूँ अगर भैया की, तो भैया का एक्सीडेंट हुआ है और भैया को काफ़ी चोटें आई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ी चोटें नहीं हैं, छोटी चोटें हैं, लेकिन फिर भी चोटें तो आई हैं। भैया का ये सारा होंठ मतलब फट गया है, पूरा मुंह इतना बड़ा सूज गया है और भैया का दांत भी टूट गया है अंदर से, मतलब मुंह उनका आधा खुल ही नहीं रहा है इस तरह से। और मतलब जो कपड़े वगैरह भी पहने हुए थे वो सब मुंह में से ब्लीडिंग वगैरह भी हुई थी। खैर रात में भैया गए थे काम से और फिर जब सुबह आए तो सुबह पता चला, उन्होंने रात में बताया भी नहीं किसी को। तो एक ये बात, और दूसरी बात ये कि लिबा गिर गई। लिबा ना हमारी सीढ़ियों से, कई बार आप लोगों ने भी कमेंट किया है कि अभी आपकी सीढ़ियाँ बहुत डेंजरस हैं और इसके ऊपर रेलिंग लगाई है। तो रेलिंग सिर्फ इसलिए नहीं लग पा रही, लगने को बहुत पहले लग जाती है, लेकिन हमें लगवाना है इस घर में पत्थर। तो पत्थर के सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों की जो दिमाग में चलता रहता है ना कि एक घर हो जाए हमारा तो सबसे अच्छी बात है। तो अभी तक तो वही चीज़ें दिमाग में थी कि भैया हम लोगों को साथ ही रहना है, तो इसलिए हमने पत्थर नहीं लगवाया और इसलिए नहीं लगवाई रेलिंग भी। और अब भी वही चक्कर सारे पड़े हुए हैं कि कब हम लोगों को साथ रहना पड़े। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे मम्मी पापा के यानी कि अपने सास ससुर के साथ ही रहना है। आप लोग कमेंट करते हैं कि आप अलग रहते हो, मैं अलग नहीं रहती, मैं उन लोगों के साथ, मतलब सिर्फ घर अलग है। जैसे को हर जैसे बहुओं का कमरा अलग अलग होता है ना, उस तरह से हमारा घर अलग पड़ जाता है, क्योंकि हमारे दोनों ही घर छोटे हैं, एक घर में पूरी फैमिली नहीं आ सकती इस वजह से। हालांकि उसके जो क्या कहते हैं उसे, कॉन्सिक्वेंसेस उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मुझे ही बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ते हैं। मुझे ही आना जाना इतना करना पड़ता है, 3 दिन सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना इतने वज़न के साथ फिर। बट कोई बात नहीं, वो मैं किसी के लिए एहसान नहीं करती, वो मैं खुद ही जाती हूँ, क्योंकि मैं मम्मी के बिना भी नहीं रह सकती, मुझे मम्मी से मिलना भी ज़रूरी है। और एक टाइम का खाना भी पूरी फैमिली हम लोग साथ खा लेते हैं। पहले हम लोग मतलब मैं सुबह ही चली जाती थी, मैं सिर्फ रात में ही सोने यहाँ आती थी, बाकी मैं सुबह ही चली जाती थी, सिर्फ घर की झाड़ू और पोछा वगैरह लगाया, क्योंकि किचन वगैरह का कुछ मेरे पास सामान नहीं था और वहीं नाश्ता पानी खाना सब होता था। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा उस घर में भी एक कमरा नीचे है और 2 ऊपर है, ऊपर इस इधर साइड वाला बाजी का है और इस साइड वाले में तो फ्रिज वगैरह रखा ऐसा कुछ है नहीं। तो शबी के कमरे में ही फिर हम लोग पूरा दिन रहते थे, तो अब वो उनको भी इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल फील नहीं होता होगा। ऑब्वियसली बात है, हर किसी को नहीं होता कि भैया सारे मेरे कमरे में रहें, तो फिर उनको नहीं कंफर्टेबल होता था, तो फिर इसलिए मम्मी ने मना करा कि मत आया करो, अच्छा नहीं लगता, तो फिर इसलिए मैंने जाना छोड़ा, अदरवाइज़ मैं सुबह से ही जाती थी। खैर वो हो गई घरेलू बात। तो मैं कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुँची, मैं आपको ये बता रही थी कि हाँ फिर इसीलिए हम लोगों ने रेलिंग नहीं लगवाई है और लिबा गिर गई है और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिरी थी। मैं आपको वो मंज़र नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता लिबा कब गिरी क्या हुआ। लिबा मेरे सामने वहाँ गेट के पास खड़ी हुई थी और खेल रही थी और मैं काट रही थी गोला, मुझे मेवे का हलवा वगैरह कुछ बनाना था तो मैं गोला काट रही थी और मैं अपी से ही बात कर रही थी। वो तो नहीं कब मैं यहाँ से और चली गई वहाँ पर, और वो कभी जीने पे से नहीं उतरती, वो हमेशा मुझे बुलाती है, मम्मा या दादू को बुलाओ, नहीं तो वो दादू को बुला लेती है। और उसके दादू इतना उसका ख्याल रखते हैं, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि वो काम करते हैं लेकिन उनकी एक निगाह और उनका दिमाग ऊपर ही रहता है कि लिबा खड़ी है, और वो बार बार पूछते रहेंगे लिबा लिबा, तो लिबा जाके देखते हैं और फिर दादू उसे लेने आते हैं। मतलब ये सिलसिला दिन में अगर 50 बार होगा, 100 बार होगा, तो दादू उसको 100 बार लेने आएंगे, कभी आलस नहीं करते कि मैं नहीं जा रहा या कुछ भी है, या तो लेने आएंगे और या उनके वर्कर बहुत ज़्यादा बिजी होंगे तो वो उन वर्कर को भी लेंगे। लेकिन कहते हैं ना होनी तो फिर होनी ही है, होनी को बहाना चाहिए। कल पता ही नहीं क्या हुआ, लिबा 1-2 जीने खुद ही उतरी है, उसे शायद झांका है या उसका हाथ से पोल क्या हुआ अल्लाह जाने। वो सीढ़ियों पे, जैसे हमारी सीढ़ियाँ ऐसी है ना, वो सीढ़ियों पे ऐसे नहीं, यहाँ से खुला हुआ है ना, वो यहाँ से ऐसे गिर गई नीचे, मैं आपको दिखा दूँगी वो सारी चीज़। तो वो जो गिरी है ना, और वो गिर के ना वो बेहोश हो गई, उसकी आवाज़ ही नहीं निकली, वो सीधा बेहोश, मुझे कुछ नहीं बतानी थी क्या चल रहा था। तो पापा जी शायद काम ही कर रहे थे, तो पापा जी के वर्कर चिल्लाए कि मां साहब देखो लिबा को क्या हुआ, देखो लिबा को क्या हुआ। अच्छा मैं घर में
दुपट्टे वगैरह नहीं ले रखा था मैंने। मैं जब उन्होंने हल्ला मचाया ना बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है। मैं सबसे पहले मैंने दुपट्टा लिया और मैं मुझे कुछ नहीं दिख रहा कहते ना एक माँ अंधी हो जाती है, लिटरली वो मुझे नहीं दिख रहा कि मैं जीने उतर रही हूँ क्या हो रहा है। मैं आधे जीने मैं उतरी और फिर मैं भी गिर गई, और गिरते मैं गिर भी रही हूँ, मेरे चोट भी लग रही है, और लेकिन मैं मतलब भागी जा रही हूँ, और मैं देखी कहाँ है लिबा, कहाँ है लिबा। और लिबा तो जब तक जा चुकी थी उसके दादू रुक रहे हैं, वो उसको लेके सेकंडों में वो लोग भागे। अब मुझे जब एक माँ को बच्चा ही नहीं दिख रहा, तो क्या मैं नीचे हल्ला मचा रही, मेरी बेटी का लिबा का लिबा का। अब ये लोग कह रहे हैं कि वो नीचे है, घूम रही है घूम रही है। अरे इतना कुछ हो गया वो घूम रही है। तो अब मेरे पैर में इतनी ज़ोर से चोट लगी भाई साहब, अब मैं पैर भी पकड़ के, जब थोड़ा सा वो हुआ तो मैं पैर भी पकड़ के हिला रही हूँ, लेकिन मैं बस कुछ भी लिबा का मेरी लिबा का। फिर उनके नीचे कोई भी नहीं था, पापा नहीं थे, भैया भैया ये सब लोग चले गए उसको लेके। तो फिर उनके वर्कर ने कहा बहुरानी तुम ऊपर जाओ, बहुरानी तुम ऊपर जाओ। अब मैं गिर भी गई, और फिर उनके वर्कर ने बेचारों ने मुझे थोड़ा सा, बहुरानी तुम हटो, बहुरानी तुम हटो, तुम जाओ तुम जाओ। अब थोड़ा सा जब कहते ना होश आया, तो फिर पाया कि मैं मतलब बहू हूँ, और फिर वर्कर वगैरह हैं सारे खड़े हुए। तो फिर मैं हिम्मत करके, मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा था, मैं हिम्मत करके ऊपर आई, और बस फिर जो मैंने रोना शुरू करा है। फिर मैंने भैया को फ़ोन लगाया, मैं कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। फिर वर्कर ने ही, मैं ऊपर रोऊं, फिर मुझे कुछ समझ में ही आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मैं अपना बच्चा नहीं देख पा रही। मुझे बस ये पता है कि कुछ बुरा हुआ है मेरे बच्चे के साथ। तो फिर वर्कर ने भैया को भेजा ऊपर, बड़े वाले भैया नीचे शॉप पर थे ना, तो वो शॉप छोड़ के तो जा नहीं सकते, छोटे भैया और पापा लेके भाग गए थे लिबा को। तो बड़े वाले भैया आया, और मैंने जो रोना पीटना बचाया मुझे लिबा ला के दे, तो वो ये कह रहे मैं हम घुमा रहे। मैंने कहा घुमाना बाद में, उसको घुमाने की जगह मैं मम मर जाऊँगी, मुझे बस दिखा दो दिखा दो। बट वो कहाँ से दिखाएं, क्योंकि वो डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल ले गए उसे। फिर भैया भागे दुकान बंद करके अपनी, वहीं से आपके चीचू को फ़ोन कर दिया। मैंने लगाया अपनी मम्मा को फ़ोन, यानी कि सासू मम्मा को, मम्मा भागे वहाँ से, बाजी भागे, हाँ इधर उधर भाग रहे, मम्मा को सांस नहीं आ रहा ऊपर चढ़ के। मैं पहले आप बैठो, फिर जो हम दोनों मिल के रोए, हम इतना रोए क्योंकि लिबत ही नहीं। और मैं बस, मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी, अल्लाह तू बस मेरी बच्ची बचा लो, क्योंकि वो इतना ऊंचाई से गिरी है, पता नहीं क्या क्या मतलब दिमाग में तो चीज़ें आती हैं ना कि क्या ही हुआ होगा क्या हुआ होगा। अब फिर वहाँ से हम लोग रोते रहे, फिर वहाँ से जब लिबा आई ना, लिबा को मम्मी पापा लाए, फिर पापा से मम्मी ने ले ली जीने पे। फिर मम्मी जैसे जैसे लानी थी ना, मैं बस लिबा को गौर से, यहीं ये सीढ़ियाँ हैं ना हमारी, ये यहाँ से मैं बस गौर से उसको देख रही थी कि मेरी बच्ची का क्या क्या फूटा है। मतलब मैं सर देख रही थी उसका, बच्चे का मुंह फूट जाता है, मैं बस उसकी शक्ल देख रही थी, और अंदर ही अंदर दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक कुछ ना कुछ। लेकिन जब मैंने उसकी शक्ल देखी ना, अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह, मेरे अंदर से इतना शुक्र अदा करा। उसकी शक्ल ठीक थी, उसका होंठ नाक सर सब अल्लाह का शुक्र है सही था। बस यहाँ पर हल्का सा नीला पड़ा है, और बस वो बेहोश हो रही थी। फिर पापा आए, पापा ने बहुत समझाया, मैं तो और ज़्यादा रो रही थी। फिर पापा ने समझाया, मम्मी ने समझाया, तब थोड़ा रिलैक्स हुआ। जब तक तो पूरा घर भर गया था, बाजी आ गई सब हो गया। फिर सब ने समझाया कि नहीं वो ठीक है, उसको देख के मुझे लगा। फिर पापा ने यही बोला कि वो थोड़ा होश में आ रही है, और फिर वो डर गई है सहम गई है, और फिर आप उसको इंजेक्शन वगैरह लगे तो वो अब सो रही है। मैं ठीक है फिर, लेकिन पापा ने ये बोला कि इसका सीटी स्कैन करा कर लाओ, हमें नहीं पता, हमारी बच्ची को दिखाओ। मैं अभी आती हूँ, मैं गैस से कुछ चेक कराई। हाँ तो मैं बता रही थी कि फिर पापा जी ने कहा कि इसका सीटी स्कैन कराओ, मुझे नहीं पता। तो हालांकि फिर थोड़ी देर बाद आयरा के पापा ने देखा, मतलब इन्होंने आपके जीजू ने देखा, तो वो लिबा ठीक थी। फिर वो उठी भी और वो देख रही थी सबको, लेकिन वो बोल नहीं रही थी कुछ भी। तो वो कह रहे ठीक है, ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी, लेकिन दादू को कहाँ सबर है। मैं सच में एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि मुझे पता है, कहते ना कि माँ तो है ही, मैं तो माँ हूँ, माँओं को तो होता है। फिर कहते हैं अल्लाह पाक होते हैं, वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। सोचो एक माँ जब इतना प्यार करती है तो 70 माँ कितना करती होंगी। लेकिन जब मैं इन बच्चों के दादू को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है 50 माँओं से ज़्यादा तो वो भी करते होंगे। 70 तो नहीं कह रही, क्योंकि फिर वो खुदा का रुतबा हो जाएगा, लेकिन खुदा से कम और शायद मुझसे बहुत ज़्यादा। फिर वो दादू कह रहे नहीं इसका सीटी स्कैन करा, हालांकि इसके पापा भी कह रहे, और मैं भी लिबा को देख के यही कहती कि नहीं पापा जी ये ठीक है, और अब थोड़ा सा ये उठेगी, ये मूव करेगी, अभी ये शॉक्ड में है। लेकिन पापा जी का माने साफ कह दिया कि या तो ले जाओ और या नहीं तो मैं लेके जा रहा हूँ। और मैं पापा जी को समझा रही हूँ कि पापा जी वो ठीक लग रही है मुझे, और ऐसे सीटी स्कैन नहीं होता जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा, नहीं तो तुम डॉक्टर के पास जाओ।
फिर आप लोगों को पता है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास हम हमेशा ही जाते हैं, तो फिर उनके उनसे अपॉइंटमेंट ली, फिर इमरजेंसी में उनके पास गए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बच्चा आपका बिल्कुल ठीक है। और हाँ, इसके बीच में बताना भूल गई, जब हम जा रहे थे ना, तो आपके चीजू को पापा जी ने इतने सारे पैसे दिए, वो पैसे दे रहे थे, मेरे तो घूंघट था, तो मुझे तो नीचे का ही सब दिखता है, तो वो पापा जी मतलब इनको पैसे दे रहे थे, बहुत सारे नोट थे, तो हालांकि ये मना कर रहे थे, नहीं पापा मेरे पास है, नहीं नहीं तुम लेके जाओ लेके जाओ। 5,000 रुपये पापा जी ने दिए कि इसका सीटी स्कैन किए कराए बिना वापस बताना। फिर यहाँ हम गए, लेकिन डॉक्टर ने माशाल्लाह लिवर ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगी उसको, लिवर ठीक है। और जब उसे गाड़ी में मतलब उसकी आँख खुली, वो सो रही थी, उसकी आँख खुली तो उसे मम्मा बोला है, मतलब अम्मा बोलते वो मुझे अम्मा, तो एक चीज़ उसे बोली, मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ कि चलो मतलब याददाश्त नहीं कोई है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही समझते हैं। लेकिन फिर उसे अम्मा बोला, ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस अम्मा बोला, फिर वो ठीक लग रही थी। लेकिन फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि बच्चा आपका ठीक है, लेकिन अगर ये कुछ कुछ मतलब चीज़ें करता है तो आप इसे लेकर आइएगा। अब मैं आपको वो चीज़ें बता देती हूँ, उन्होंने सबसे पहले पूछा था कि इसे वॉमिट हुआ था। अच्छा, लिबा को वॉमिट नहीं हुआ था, जब वो गई थी वो बस बेहोश हुई थी, फिर मुँह से झाग, हाँ मुँह से झाग उसके आए थे, मैंने कुछ नहीं देखा, यही लोग बता रहे, मैं तो जब तक गई तब तक तो वो जा चुकी थी। फिर उन्होंने ये बोला कि अगर ये ज़ोर ज़ोर से चीखे, अगर इसको वॉमिट हो, इसके मुँह में से झाग आए, तो आप इसे लेकर आना, फिर हम इसको एडमिट करेंगे और तभी इसका सीटी स्कैन होगा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम इसे ले आए, उन्होंने मेडिसिन वगैरह दे दी। तो आपके जीजू और हम इतना डर रहे थे, क्योंकि पापा जी का था कि बिना सीटी स्कैन कराए घर में मत आना। फिर इन्होंने रास्ते में से वहाँ से निकलने से पहले ही फ़ोन किया कि पापा डॉक्टर ने मना कर दिया सीटी स्कैन के लिए, और उन्होंने बोला जब ऐसी चीज़ें हों तब आना। तो फिर पापा जी को समझ में आई चीज़ें, फिर हम आए घर। लेकिन फिर मतलब हम तो मम्मी के पास ही थे। हाँ, तो फिर पापा जी आए रात को, फिर पापा जी अपना बता रहे थे, कह रहे मुझे इतना अफसोस हुआ, मेरी बच्ची गिर गई, कह रहे मुझे तो एक पल के लिए लगा कि गई मेरी लिबा, अल्लाह। तो मम्मी बता रही, कह रही ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं, ये कह रही अब इनका मूड 2-3 दिन तक ख़राब होगा, और ये यही सोचेंगे कि मेरी वजह से गई, जबकि वो किसी की भी वजह से नहीं गई, वो बस था, लिखा था गिर गई, किसी की वजह से नहीं, कि बच्चा आया, बच्चे ने मतलब क्या ही कर रहा था, वो कभी नहीं उतरती, अब वो उतर गई 1-2 सीढ़ियाँ और फिर वो गिर गई। लेकिन अब सब ठीक है आप लोगों की दुआओं से, और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे सास ससुर मिले। मम्मी मैं बता नहीं सकती, मैंने मम्मी के पास रो रो के फ़ोन किया, वो कुछ कर रही थी, बाजी बता रही थी, कुछ कर रही थी, सब छोड़ छाड़ के, और वो भागी हैं बुरी तरह, और जब वो उनसे सीढ़ियाँ इतनी जल्दी चढ़ी में जाती हैं भाग भाग के, उनका ये था कि बस मैं बुलबुल के पास पहुँच जाऊँ, मेरी बच्ची परेशान हो रही है। तो ऐसे सास ससुर मिलना, सच में बता रही हूँ, बहुत 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 खुश नसीबी की बात है। मुझे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे इतने अच्छा परिवार मिला है, एक इतनी से दुख की घड़ी में सब लोग आके खड़े हो जाते हैं, बहुत बहुत खुश नसीब हूँ मैं। और अल्लाह ने जैसा मुझे दिया, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप लोगों को उससे भी वो बहुत अच्छा दे, तो आमीन सुबह में। तो फिलहाल अब लिबा ठीक है, और अब मैं ज़्यादा चीज़ें इस व्लॉग में ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने आज सारी बातें आपको दिल की बता दी हैं, तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ सीढ़ियों का सारा सीन कैसे कैसे हुआ था, तो चलो मैं पहले दिखा देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो जी ये हैं वो सीढ़ियाँ जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, मतलब ख़तरनाक सीढ़ियाँ, और मैं बता रही थी ना वो साइड से गिरी है, तो ये यहाँ पर जैसे रेलिंग नहीं लगी है, जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे कई बार टोका भी है, तो ये बस इसी तरफ से, और मतलब पूरा ये 2-3 सीढ़ी बस उतरी है और सारा यहाँ से गिरी है, और इसकी ऊँचाई कम से कम 7 से 8 फुट ऊँची होगी, तो आप देख लो। मैं बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाऊँगी क्योंकि वर्कर्स है, तो बस वो यहीं से गिर गई है, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ से सीधी नीचे गिरी है, सीढ़ी पे से भी जाती है तो शायद उतना ज़ोर से चोट नहीं लगती, और यहाँ से गिरी है, तो बहुत ज़्यादा मतलब डरावना सीन था वो। तो हम पहुंच गए हैं डॉक्टर के पास, मतलब जाना तो खैर था ही, हालांकि लिबा ठीक है, मतलब वो बस सहमी हुई है, बट फिर भी मैंने आप लोगों को सारी कहानी पहले ही बता दी है कि दादू का सख्त ऑर्डर था, तो बस हम लिबा को लेकर आ गए हैं, और लिबा भी अपने पापा की गोद में। अच्छा, लिबा ने सिर्फ एक ही शब्द बोला है अम्मा, उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोल रही है, बस देख रही है चीज़ों को ना, इधर उधर देख रही है, और चुप चुप है, और बहुत ज़्यादा सो रही है, बस इसी बात का मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सोना भी बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, हमें पता ही नहीं
चल पा रहा कि वो मतलब सो रही है या वो बेहोश हो रही है, ये भी अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो बस इस वजह से हम लोग इसको लेके भागे। तो अब इसके पापा पता नहीं मुझसे क्या कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, शायद पापा की कोई बात बता रहे थे कि पापा कितना बहुत ज़्यादा, हाँ पापा की नहीं, वो भैया की बता रहे थे कि भैया रो पड़े थे जब लिबा को हॉस्पिटल लेके गए थे ना, तो बड़े वाले मेरे देवर है ना, तो परवेज भैया वो रो पड़े थे। तो ये बता रहे कि वो रो रहा था, मैं उसे कह रहा था क्यों रो रहा है, क्या ये हो गया। तो प्यार होता है इतना बच्चों से तो हो ही जाता है, कोई इंसान मतलब एक्सप्रेस कर देता है, कोई नहीं करता है। तो आपके जीजू जो है, मैं इनको देख रही थी तो ये तो खैर नॉर्मल थे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि, और बल्कि मुझे ही थोड़ा सा हंसाने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर मैं इनसे पूछी, मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं हुआ, हम लोग तो इतने पागल हो गए रो रो के। तो पहले तो कहते रहे कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर बहुत रात में जब बच्चे बच्चे सो गए ना, तब मुझे वो बता रहे थे, कह रहे मुझे ना बस ऐसा फील हो रहा था कि मुझे वॉमिट आ रही है और मुझे मतलब घबराहट सी हो रही थी और चक्कर आ रहे थे। तो फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि अच्छा उनका मतलब फीलिंग ये थी, तो उनको घबराहट सी हो रही थी, वो एक्सप्रेस नहीं करते चीज़ें, आपको पता है ना, प्यार करते हैं ना मोहब्बत करते ना नफरत करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो इस तरह से वो अपने अंदर ही रखते हैं। तो अब वो वहाँ पर खड़े हुए हैं और डॉक्टर के पास भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और मैं आपको पास से लिबा को दिखा देती हूँ। तो ये रही आपकी लिबा, अभी तो मैंने इसको क्या पहना हुआ, बस बहुत मामूली चीज़ के चोट आई है, ऐसा लगा जैसे कि ऊपर से गिरी हो तो शायद किसी ने गोद में पकड़ लिया हो, पर ही नहीं पकड़ा होगा किसी गोद में। तो बस आप लोगों को अपडेट देनी थी तो मैं दे चुकी हूँ। तो देख ही लिया होगा आपने सारा मंजर कि कैसे कैसे चीज़ें हुई थी, क्या क्या हुई थी। और बस अब तो सब ठीक है, और मैं आपको डॉक्टर वगैरह का भी सब दिखा दूंगी कि ज़्यादा मैंने शोर नहीं किया, क्योंकि आप लोग मेरी हालत जान सकते हैं। मेरे पैर में भी चोट लग गई है बहुत ज़्यादा, लिबा तो माशाल्लाह ठीक है लेकिन लिबा की मम्मा ठीक नहीं है। तो घर में भी सब गुस्सा कर रहे थे कि तुमने ऐसे क्यों किया, तुम क्यों भागे ऐसे, फिर तुम्हें ज़्यादा चोट लग जाती है। बट ठीक है, चलो अब जो हुआ हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, और मेरे परिवार वालों के लिए सबके लिए बहुत सारी दुआएं करना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।